एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक महिला की रविवार को गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो फर्श पर खून फैला था और महिला के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। एरोड्रम थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि मृतका का नाम वंदना पति राहुल रघुवंशी उम्र 34 साल है। खून से लथपथ उसकी लाश विद्या पैलेस से पुलिस को मिली। मृतका वंदना करीब 3 साल से टिफिन सेंटर पर काम करती थी और रविवार सुबह 11:30 बजे भी पति राहुल रघुवंशी से टिफिन सेंटर जाने का कहकर निकली थी। महिला की पहले भी शादी हो चुकी है। भोपाल निवासी पहले पति से तलाक लेकर उसने राहुल से शादी की थी। राहुल रेलवे स्टेशन पर हाउस कीपिंग का काम करता है। आइए मृतका के पति से जानते हैं उनका क्या कहना है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे को उसकी सहेली ने फोन लगाया कि ऐसी ऐसी बात हुई है तो मैं फटाफट आया हूँ, बस इतना ही मालूम मेरे को। इसके अलावा मेरे को कोई जानकारी नहीं। अभी क्या हुआ करते थे, क्या करते थे ये टिफिन सेंटर का काम? कब से कर रहे थे? ये 3 साल से काम कर रहे हैं। ये यहाँ कैसे पहुँचे? नहीं आइडिया अपने को। अपने को तो उनसे फ़ोन आया उसकी सहेली का कि बोले यहाँ ऐसा ऐसा हुआ और यहाँ पड़े हैं तो मैं आया हूँ। मेरे को तो ये एड्रेस भी नहीं मालूम। क्या नाम था इनका? वंदना रघुवंशी। आप क्या करते हैं? मैं रेलवे में हाउस कीपिंग का काम है, रेलवे धोता हूँ। हस्बैंड इनका पहले भी 25 से तलाक तलाक हो चुका है, ऐसी बात हो गया है। कहाँ से हुआ? भोपाल से। अब आपको सुनाते हैं मामले में TI संजय शुक्ला क्या कह रहे हैं। आज भी सुबह 11:30 बजे घर से यही बोल के निकली कि अपने सहेली के साथ मैं टिफिन सेंटर पर काम करने के लिए जा रही हूं और अभी उसकी लाश मिली है। सर कितने दिन पहले यहां रहने आई है? जो आसपास पड़ोस और लोगों से बात हुई है, जो ऊपर किराएदार दूसरे रह रहे हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि 5-6 दिन से यहाँ पर ये किराए का कमरा लेकर रहने के लिए आई हुई थी। सर कितने लोग रहते थे? अभी फिलहाल में तो मौके पर तो मृतका ही मिली है, बाकी ऐसी जानकारी मिली कि एक दो अन्य लड़कियां भी थी जो इसके साथ में आना जाना करती थी वहां पर, उनकी तलाश और तस्दीक अभी की जा रही है। बहरहाल महिला टिफिन सेंटर का बोलकर विद्या पैलेस कैसे पहुंची, उसकी किसी से दुश्मनी थी या कुछ और, पुलिस हर बिंदु पर जांच कर आरोपियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।